Hey everyone, welcome to my channel and welcome to today's video. आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू डू अ मेकअप लुक यूजिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ माई मेकअप बास्केट. लास्ट वीडियो में आई हैव सेलेक्टेड सम प्रोडक्ट्स फॉर माई मेकअप बास्केट एंड टूडे आई विल बी यूजिंग देम टू क्रिएट अ मेकअप लुक. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फर्स्टली फॉर प्राइमर आई विल बी यूजिंग द स्मैश बॉक्स फोटो फिनिश प्राइमराइजर. इट हैज प्राइमर प्लस मॉइस्चराइजर, सो आई विल बी यूजिंग इट. Since it is the primer with moisturization, so my skin is feeling quite moisturized. Also, it is slightly silicone-y in texture because it is a primer. So yes, my skin is feeling a little bit tacky also. So after that, I will be using this foundation by Physicians Formula. It's their Healthy Skin Foundation. I'm in the shade DN3, which is I think one or two shade darker than my skin tone, and I will be mixing this Natio or Natio foundation with it. I have not used it, so this will be my first impressions. So I will be mixing both of them thoda thoda. I don't like full coverage, I like sheer to medium coverage. I will be buffing it with my e.l.f. foundation brush. I really really like it. So I'm buffing the foundation with this brush. और नीचे primer लगा है ना इसके, so it's working quite well. The color is also a good match for me. So this is how it looks after blending. Touch up देने के लिए I am just pushing all the foundation with the help of a beauty blender, जिससे ये और ज़्यादा clean और flawless जैसा word तो नहीं होता, but और ज़्यादा blended लगे. It's all blended and this is how my skin looks and I quite like it. After that, I will be using a concealer. So for concealer, I will be using this Wet n Wild Photo Focus Concealer in the shade Medium Tawny. Or this will be my first impression for this as well. So I will be using thoda sa idhar, thoda sa idhar, aur thoda sa idhar, because my eyelids are pigmented. Ab concealer brush I am using is by Cuffs and Lashes. It's a very nice concealer brush. So I will be just patting it so that सारा का सारा concealer अच्छे से blend हो जाए. और मेरे को क्या issue रहता है कि जब भी मैं concealer लगाती हूँ तो मेरी जो यहाँ पे lines है वहाँ पे crease कर जाता है. तो जब मैं यहाँ पर ज़्यादा concealer focus करती थी तो creasing बहुत ज़्यादा होती थी. अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर concealer लगाती हूँ और इधर लगाती हूँ, और जो भी product मेरे brush में बचा होता है उससे मैं इधर भी blend कर देती हूँ. तो creasing होती है but उतनी ज़्यादा नहीं होती है, कम creasing होती है. तो जितना कम प्रोडक्ट वी यूज, मेरे को ऐसा फील होता है मेरे फेस पर उतनी अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है. सो एज यू कैन सी, और मुझे लगता नहीं कि मुझे इसको ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड करने की जरूरत है बिकॉज इट इज क्वाइट नाइसली ब्लेंडेड. सी द डिफरेंस. और मैं दूसरी आई में भी इसको फटाफट करती हूँ. आईज का मुझे भी कुछ नहीं ध्यान है कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद माय आईज. आई एम यूजिंग दिस ओरिफ्लेम ब्राउ मस्कारा और मैं इसको यहां से पकड़ती हूं क्योंकि इसका जो वॉन्ड है बहुत फ्लिम्सी है. सो फॉर आई शेडो आई विल बी यूजिंग दिस मॉर्फी बॉस मूड पैलेट, 35mm बॉस मूड पैलेट, एंड इट हैज अ ब्यूटिफुल कलेक्शन ऑफ शेड्स. And I really don't know what I'm going to do. मुझे कुछ नहीं पता, but अब मेरे दिमाग में जो आ रहा है I'm doing. तो सबसे पहले I will be taking this light pinky brown shade for transition. Usually मैं क्या करती हूँ,
एक शेड लेती हूँ, उसको पूरी आईलेट पे ब्लेंड करती हूँ एंड बस आई एम गुड टू गो। इससे ज़्यादा मैं नहीं करती 9 out of 10 टाइम्स, बट सिंस आई एम ट्राइंग टू फिनिश आउट माई प्रोडक्ट्स तो मुझे थोड़ा आई लुक्स पे फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज आई लुक्स ऐसी चीज़ है जिसमें मैं लीस्ट इंटरेस्टेड रहती हूँ। आई लाइक वेरी सिंपल आई लुक्स, वेरी सिंपल, जिसपे सबसे कम टाइम लगे। बेस मेकअप आई लव, बेस मेकअप में मेरे को कितना भी टाइम लगवा दो, बट आई शेडो लुक्स पे मुझे ज़्यादा टाइम नहीं पसंद है, और आई शेडो लुक्स मैं ठीक से कर भी नहीं पाती हूँ। अब उसके बाद व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेक अ डार्कर पिंक शेड, उसके बगल वाला जो शेड है उसको लेकर के मैं यहां पर लगा देती हूँ इस कॉर्नर वाली साइड पे, थोड़ा पिगमेंटेड लगे जिससे बस मेरे कैमरे की बैटरी बर्न ना हो जाए। लेट्स सी, और थोड़ा मैं इनर कॉर्नर की साइड से कलर को उठा रही हूँ, इफ दैट मेक्स एनी सेंस। And I will be connecting both of these ends, this end and this end. इधर भी मैं ऐसे ही कर रही हूँ, इनर कॉर्नर से कलर उठाऊंगी। बहुत गर्मी हो रही, यू कैन सी स्वेट ऑन माई फेस बिकॉज आई कैन नॉट स्विच ऑन फैन, सारी आवाज आएगी। After that, I'm going to take a purple shade because I like purple eyeshadows a lot. और मैं purple shade को यहाँ पर बीच में hello eye की तरह मैं create कर रही हूँ और बीच में इसको tap कर रही हूँ। Like this. I will be taking the dark pink shade and will be putting on my lower lash line. Like this, so it will look good, and after that I'll smoke it out using a brush. I will be taking a small brush. These are the brushes by Morphe x Jeffree Star. मत लेना इन brushes को, मेरे experience में मैंने जो जो मेरे पास सेट के ब्रश है ये बहुत ज़्यादा शेड कर रहे हैं, सो आई विल नॉट रिकमेंड दिस। इससे अच्छे बी एच कॉस्मेटिक्स के और फोक्यूलर के जो पैलेट ब्रशेज हैं, दीज आर फार बेटर देन, मतलब दोज आर फार बेटर देन दीज, तो इसको तो मत लेना। सो दीज आर माई आईज, दिस इज द मस्कारा बाय वॉन्डर ब्यूटी, आई विल बी यूजिंग दिस ओनली। इट्स नॉट अ वेरी गुड मस्कारा, मतलब अभी तो मैंने इसको 2-3 बार यूज करा एंड आई डिड नॉट लाइक इट बहुत ज़्यादा, बिकॉज ये कुछ भी नहीं प्रोवाइड करता, सी ना प्रॉपर लेंथ ना प्रॉपर वॉल्यूम, बट फॉर द सेक ऑफ दिस लुक आई विल बी यूजिंग इट। आई रियली डिड नॉट इंजॉय दिस मस्कारा अ लॉट, मस्कारास एंड ब्लशेज आर माई वीकनेस, वो प्रॉपर होना चाहिए। लिपस्टिक्स थी बट अब नहीं है। सो सो आईज आर डन। फॉर ब्लश आई विल बी यूजिंग दिस बी एच कॉस्मेटिक का ब्लश पैलेट एंड आई विल बी यूजिंग दिस शेड राइट हियर एंड आई विल बी टेकिंग थोड़ा सा, कैमरे में तो नहीं दिखाई देता है बट इन रियल लाइफ इट्स वेरी वेरी पिगमेंटेड और बहुत ही ज़्यादा ब्लश लग गया है, सो यस आई विल बी यूजिंग इट। मिल्क मेकअप का स्टिक हाईलाइटर इन द शेड लिट, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल हाईलाइटर एंड वन ऑफ माई फेवरेट वंस,
So yes, I will be just using it on the high points of my face. बहुत ज़्यादा luminous finish ये नहीं देता है but I really really like it. मैं इसको everyday purpose पे भी I can easily use it. थोड़ा सा मैं brow bone पे लगा देती हूँ. I'm using wrong finger for this application but it's totally fine. Okay, so after that blush थोड़ा सा और apply करना पड़ेगा and after that I will be using a lipstick. थोड़ा ब्लश में और अप्लाई कर देती हूँ. नाउ फॉर लिप्स आई हैव टू ऑप्शंस विद मी. द फर्स्ट वन इज फ्रॉम रेयर ब्यूटी. इट्स देयर लिप ग्लॉस. या लिप ग्लॉस इन द शेड नियरली न्यूट्रल. एंड द सेकेंड वन इज फ्रॉम टावर 28 एंड इट्स देयर लिप जेली इन द नियरली न्यूट्रल लिप ग्लॉस. इट्स लिटरली द कलर ऑफ माई लिप्स. लिटरली. And I don't think that it will look nice with this eye look. It's a very cute orange tone lip jelly. I have never applied it with full makeup. इसको मैंने ऐसे ही सोते समय लगा देती थी. So let's see. It's nice. It has a very very beautiful formulation. I love the plump it gives to the lips. Excellent, excellent lip gloss it is. So yes, my look is complete. So this is my finished makeup look. I hope you like this and if you do then please subscribe to my channel. It would mean a lot to me and I'll see you in next video.